हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम सीखेंगे पेरोल बनाना। तो पेरोल में पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे यहां लिखेंगे हाउ टू मेक सैलरी चार्ट और ब्रैकेट में लिख लेंगे पेरोल। तो यहां पे लिख लेते हैं हाउ टू मेक सैलरी चार्ट। ब्रैकेट में लिख लेते हैं पेरोल। अब ये पेरोल का पार्ट टू है, इससे पहले भी हमने पेरोल बनाना आपको सिखाया है, तो अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके देख लेना। तो ये हो गया पेरोल सेकेंड, एंटर करते हैं और अगर दिखाई ना दे रहा हो तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब इसे बड़ा कर लेते हैं तो यहां से जाके थोड़ा बड़ा हो जाएगा फ्लैग। बाकी का यहां पे लिखते हैं सीरियल नंबर, यहां सीरियल नंबर, उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ इंप्लॉई। अब यहां पे क्या लिखेंगे, नेम ऑफ इंप्लॉई। अब यहां लिख लिया हमने नेम ऑफ इंप्लॉई। अब क्या करते हैं, यहां पे क्लिक करते हैं और यहां पे जाके क्लिक कर देते हैं तो ये ऊपर नीचे ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा और ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे नेम ऑफ इंप्लॉई हमने लिख लिया। साथ वाले कॉलम में लिख लेते हैं डिजाइनेशन, यानी कि वो काम क्या करता है। तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, डिजाइनेशन। अब यहां पे लिख लिया डिजाइनेशन, इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां पे लिख लेते हैं बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक, यहां लिख लेते हैं बेसिक सैलरी। उसके बाद लिख लेते हैं यहां पे डीए। डीए का मतलब होता है डे अलाउंस। डीए का मतलब क्या होता है, डे अलाउंस। तो यहां पे लिख लेते हैं डीए। यहां पे लिख लेते हैं डीए। डीए का फुल फॉर्म होता है डे अलाउंस। अब यहां पे डे अलाउंस 22% मिलता है। कितना मिलता है, 22%। तो यहां पे डीए अलाउंस 22% लिख दिया हमने। उसके बाद हमने लिख दिया टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। टीए का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। 18% मिलता है, यानी कि आने जाने का खर्चा देती है कंपनी 18% जो हमारा तनख्वाह होता है उसका। उसके बाद एचआरए, उसके बाद क्या मिलता है, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस इसे कहते हैं, ये मिलता हमें 15%। अब एचआरए 15%, तो यहां पे अब हम लिख लेते हैं क्या, एमए, मेडिकल अलाउंस। एमए का फुल फॉर्म होता है मेडिकल अलाउंस, 11% मिलता है। अब यहां पर ग्रॉस सैलरी क्या लिखना है, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी इसे भी अगर ऊपर नीचे करना है तो यहां क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हो। अब ग्रॉस सैलरी के बाद पीएफ, पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। पीएफ 2% डिडक्ट होता है, यानी कि कटता है। उसके बाद हमारा नेट सैलरी, अब क्या करते हैं, ये जो हमने हेडिंग डाला है इसे हम बीच में कर लेते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, यहां पे जाके मार्जिन सेंटर पे क्लिक कर देते हैं, ये बीच में आ जाएगा। यहां पे कलर फिल कर देते हैं, टेक्स्ट कलर हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वैसे इसे भी करते हैं, यहां से ऐसे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहां जाके क्लिक करते हैं तो ये सब बीच में आ जाएगा टेक्स्ट, और ऊपर क्लिक कर देते हैं तो सब बीच में शो करेगा। सिलेक्ट करने के बाद इसी में भी कलर कर देते हैं, तो यहां पे जाएंगे और ऐसे कलर कर देंगे, कोई सा भी आप कलर कर लीजिए यहां से, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। तो मैंने ये वाला कलर ले लिया है। अब ये होता है टेक्स्ट का कलर, तो यहां से मैंने ले लिया व्हाइट। आप दूसरा कलर भी ले सकते हो, मैंने व्हाइट लिया है, तो ठीक है।
आप पूरे को सिलेक्ट करिए, आप जितने लोगों का आपको निकालना है, जैसे हमें 6-7 लोगों का निकालना है, तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद हम देखिए पूरे में बॉर्डर बन गया। अब यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देंगे 12, सिलेक्ट कर लीजिए और ड्रैग कर दीजिए। तो हमें 5 लोगों का निकालना है, तो हमने यहाँ पूरा 5 तक ले लिया। अब इम्प्लॉय का नाम डाल देते हैं। अब यहां पे लिख दिया हमने तन्नू। डिजिग्नेशन में डाल दिया मैनेजर, यहां पे लिख दिया मैनेजर। बेसिक तनख्वाह हमने डाल दिया 30,000। अब इसका 22% इन्हें टीए मिलता है, डीए मिलता है। 22% क्या मिलता है ना, डीए मिलता है। तो इक्वल टू लिखेंगे 22/100 मल्टीप्लाई टोटल तनख्वाह। अब टोटल तनख्वाह का जो टीए मिलता है 18% मिलता है, तो हम सेम निकालेंगे 18/100 मल्टीप्लाई बेसिक तनख्वाह, एंटर कर देंगे। एचआरए बराबर का निशान लगाएंगे, 15% मिलता है, तो 15/100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बेसिक तनख्वाह, एंटर कर देंगे। मेडिकल अलाउंस भी ऐसे ही निकाल लेंगे, इक्वल टू 11/100 मल्टीप्लाई बेसिक तनख्वाह के। अब इतने सारे हमें अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। अब टोटल ग्रोस तनख्वाह निकालने के लिए हम करेंगे इक्वल टू SUM ब्रैकेट ऑन, सम ब्रैकेट ऑन से बेसिक तनख्वाह से लेके मेडिकल अलाउंस तक सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। यहां पे देखिए बेसिक तनख्वाह तो 30,000 थी, लेकिन सारे अलाउंसेस मिला के 49,800 रुपए बन रहे। अब 2% इसमें से पीएफ कट जाएगा, तो बराबर का निशान लगाते हैं और लिखते हैं 2/100 मल्टीप्लाई ग्रॉस पे और एंटर कर देते। अब यहां पे हमें नेट तनख्वाह निकालना है, यानी कि हर महीने के कट जाएंगे 996 रुपए, 996 रुपए हर महीने के पीएफ के नाम पे डिडक्ट हो जाएंगे, इक्वल टू ग्रॉस माइनस पीएफ, तो हमारा नेट तनख्वाह निकल गया। ये होता हमारा पेरोल बनाना। अब हम नीचे एक आध का और बना लेते हैं, तो यहां पे मैंने ले लिया सलोनी और यहां पे हमने ले लिया कोमल, अब दोनों का हम पोस्ट यहां पे फिल कर देते हैं। पोस्ट फिल कर दिए, हमने लिख दिया कोमल पे असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, अगर ये बड़ा हो रहा है तो आपको पता है कि क्या करेंगे, यहां पे जाके क्लिक कर देंगे, तो ऐसे असिस्टेंट मैनेजर लिखा हुआ आ जाएगा। और सलोनी में हम डाल देते हैं टेली कलर, अब यहां पे टेली कॉलर डाल देते हैं। अब इसकी सबको अलाउंसेस सेम मिलेंगे, इसकी तनख्वाह है 18,000, वो मैनेजर था ये असिस्टेंट मैनेजर है, तो इसकी तनख्वाह कर देते 25,000 और फॉर्मूला वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे यहां पे पूरे सबको सिलेक्ट कर लेंगे और यहां जाके ऐसे ड्रैग कर देंगे, तो सबका निकल जाएगा। यहां पे भी वही बात करेंगे, हम पूरा भी एक साथ कर सकते थे, तो यहां से आप डबल क्लिक कर दीजिए या आप ड्रैग कर दीजिए, तो ऐसे निकल जाएगा। तो ये होता पेरोल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।